प्रियदर्शकों नमस्कार। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल के झारखंड और ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस प्रतिष्ठित राजभाषा पुरस्कार से अलंकृत। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने कोविड निवारण अभियान को किया सशक्त। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण साहू। अब समाचार विस्तार से। सेल के झारखंड और ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस को भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिष्ठित राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान डिब्रूगढ़ में भारत सरकार के राजभाषा विभाग की सचिव सुश्री अंशुली आर्य द्वारा ग्रुप ऑफ माइंस को पुरस्कार प्रदान किया गया। सेल के झारखंड और ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए दूसरा पुरस्कार और वर्ष 2019-20 के लिए तीसरा पुरस्कार तत्कालीन सेल के रॉ मटेरियल डिवीजन द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्राप्त किया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार महाप्रबंधक P&A झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस श्रीमत नारायण पंडा और सहायक प्रबंधक P&A श्री AS मिश्र और किरबुरु आयरल माइंस द्वारा प्राप्त किया गया था। मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस श्री जयदीप दास गुप्ता और महाप्रबंधक P&A खान श्री श्रीमत नारायण पंडा ने निदेशक प्रभारी सेल बोकारो स्टील प्लांट एवं राउरकेला स्टील प्लांट के अतिरिक्त प्रभार श्री अमृतु प्रकाश को राजभाषा पुरस्कार के रूप में प्राप्त शील्ड, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री समीर स्वरूप की उपस्थिति में 8 जनवरी को प्रदान किया। श्री प्रकाश ने इस उपलब्धि के लिए झारखंड और ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस को बधाई दी और बेहतर कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने कोविड 19 के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनज़र इस्पात संयंत्र में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया है। इसने संयंत्र परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के हाथ की स्वच्छीकरण के लिए संयंत्र के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर कार्मिकों को तैनात करके अपने कीटाणु शोधन अभियान को मजबूत किया है। कोविड 19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपायों से संबंधित दिशा निर्देश RSP द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें मास्क के बिना संयंत्र परिसर, कार्यस्थलों में कर्मचारियों और बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अन्य राज्यों से राउरकेला आने वाले विक्रेताओं, सलाहकारों, आपूर्तिकर्ताओं, विशेषज्ञों को प्रवेश के 48 घंटों के भीतर प्राप्त अंतिम टीकाकरण प्रमाण पत्र RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अन्य दिशा निर्देशों का भी अत्यंत सावधानी के साथ पालन किया जा रहा है। इसके अलावा महामारी से संबंधित क्या करें और क्या न करें के संबंध में सार्वजनिक ऐलान किया जा रहा है। RSTV में संयंत्र के दैनिक समाचार बुलेटिन में मूल कोविड दिशा निर्देशों को भी दोहराया जा रहा है। कोविड पोस्टर संयंत्र के भीतर और बाहर खास खास जगहों पर प्रदर्शित किए गए हैं। RSP की विभिन्न सोशल नेटवर्किंग साइटों में एहतियाती पहल के तौर पर और जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से आकर्षक नारों वाले रोचक पोस्टर भी व्यापक रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण साहू। बालासोर जिले के मणिखंब गांव में 3 अक्टूबर 1890 को जन्मे डॉक्टर लक्ष्मी नारायण साहू एक प्रख्यात लेखक, कवि, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, सुधारक, इतिहासकार, राजनीतिक थे। वे ख्याति प्राप्त शिक्षक थे। उन्हें उनके लेखन और ओडिशा के आदिवासी गाथाओं को रिकॉर्ड करने वाली पुस्तकों के लिए जाना जाता था। ओडिशा के लोक नृत्य और संगीत एवं ओडिया संस्कृति, भाषा और साहित्य के प्रसार एवं संरक्षण में वे गहराई के साथ जुटे थे।
उड़िया के अलावा उन्हें हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी और संस्कृत में भी उनके लेखन के लिए जाना जाता था। उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ वीड़ा, सुल्ता, कंट्रोल रूम, कविताएँ, पशरा और स्प्रिंग ऑफ द सोल आदि सामाजिक कहानी है। वे 1947 में ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए और भारत के संविधान सभा के माननीय सदस्य थे। उन्हें 1955 में प्रतिष्ठित पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्हें ओडिशा के इतिहास पर उनके कार्यों और लेखन के लिए इतिहास रत्न की उपाधि भी दी गई थी। वह एशियाटिक सोसाइटी के सदस्य, ओडिशा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी थे। उन्होंने 8 जनवरी 1963 को इस नश्वर धरती को त्याग दिया। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।